बीजेपी ने 92 लोगों की 5वीं सूची जारी कर दी है। इस सूची में पिछली बार हारे हुए कई मंत्रियों को भी टिकट दिया गया है। खासतौर पर माया सिंह, अर्चना चिटनिस और जयंत मलैया को भी प्रत्याशी बनाया गया है। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे अभिलाष पांडे को भी पार्टी ने टिकट दिया है। भोपाल की दक्षिण पश्चिम विधानसभा में काफी माथा पच्ची करने के बाद पीसी शर्मा के सामने भगवान दास सबनानी को उतारा गया है। अपनी 5वीं सूची पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि ये सूची अनुभव की सूची है और सभी प्रत्याशी जीत का इतिहास बनाएंगे। बीजेपी ने अब तक 230 सीटों में से 228 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। फिलहाल 2 सीटें होल्ड पर हैं। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। ये दोनों चीजें हैं, नयापन भी है अनुभव भी है। और भारतीय जनता पार्टी ने तो एक एक महीने पहले टिकट घोषित कर दिए। अरे डरता वो है जो करता नहीं है, डरता वो है जो झूठ बोलता है, डरता वो है जो वादा खिलाफी करता है। हम तो जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए हमारे नेतृत्व ने, हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भी भारत का मान सम्मान बढ़ाने के साथ मध्य प्रदेश को 1,17,000 करोड़, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस मध्य प्रदेश के विकास के अंदर 4 चांद लगाए हैं और आज भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी मध्य प्रदेश के अंदर हैं। अभी 27 तारीख को फिर भगवान राम के कर्मस्थली चित्रकूट में पधार रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री जी का इतना आशीर्वाद है, हमारी सरकार ने इतना काम किया है, इसलिए डर तो उनको है जो जनता से झूठ बोल करके चले गए थे। अब उनमें जिन्होंने मध्य प्रदेश को बंटाढार कर दिया था, जिन्होंने मध्य प्रदेश को करप्शन नाथ बना करके आकंठ भ्रष्टाचार में डुबो दिया था, झूठ छल कपट की राजनीति करके जनता से धोखा दिया था, डरे वो। अरे हम क्यों डरे भाई, हमने तो काम किया है, हमारी सरकार ने काम किया है, हमारे नेतृत्व ने मान और सम्मान बढ़ाया है और जनता को उनके चेहरे पर खुशी लाने का काम, विकास के नए आयाम मध्य प्रदेश के अंदर खड़े किए हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए डर उनको होना चाहिए, हमें नहीं। देखिए हम ये नहीं देखते कि कौन सामने और कौन क्या, हम तो कार्यकर्ता हमारा सक्षम है, कार्यकर्ता हमारा योग्य है, कार्यकर्ता हमारा जीतने के लिए उस दिशा में पारंगत है, तो ऐसे कार्यकर्ताओं को अवसर देते हैं। हम कभी ये नहीं देखते कि वो फलाने जी का बेटा है, फलाने जी की बेटी है, फलाना कार्यकर्ता है, जीतने के लिए योग्य है, हमारा नेतृत्व उन्हें अवसर देता है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।